यूक्रेन के मुद्दे पर अमेरिका और रूस के बीच बढ़े तनाव के बीच आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बातचीत होगी। दोनों नेता आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। व्हाइट हाउस और क्रेमलिन ने इस बात की पुष्टि की है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बाइडेन सीमा पर रूसी सैन्य गतिविधियों को लेकर अमेरिका की चिंता व्यक्त करेंगे और यूक्रेन की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता के लिए अमेरिकी सहयोग को फिर दोहराएंगे। आपको बता दें कि यूक्रेन की सीमा पर रूसी बलों की मौजूदगी बढ़ने के कारण रूस और अमेरिका के बीच तनाव बना हुआ है। म्यांमार में लोगों ने घरों से बर्तन बजाकर सेना के खिलाफ प्रदर्शन किया। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ हो रहे एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान कल सैनिकों की एक गाड़ी प्रदर्शनकारियों को टक्कर मारते हुए निकल गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। म्यांमार में फरवरी में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद से लगातार सेना के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। तख्तापलट के बाद से यहां 1300 से ज्यादा लोगों की हत्या हो चुकी है। फ्रांस के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार एरिक जेमोर की चुनावी रैली के दौरान हिंसक झड़प हो गई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस रैली में एरिक जेमोर के करीब 10,000 समर्थक मौजूद थे। वहीं प्रदर्शनकारियों का एक गुट यहां जातिवाद और रंगभेद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था, तभी दोनों गुट भिड़ गए। अगले साल अप्रैल में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार एरिक जेमोर को रंगभेद के मामले में दोषी ठहराया गया है। पश्चिम एशिया के देश जॉर्डन में एक अदालत ने 5 वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों को 3 साल की जेल की सजा सुनाई। जॉर्डन के एक अस्पताल में इसी साल मार्च में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी जिसकी वजह से 10 मरीजों की मौत हो गई थी, जिसके लिए कोर्ट ने इन 5 अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। मार्च में हुई इस घटना के बाद जॉर्डन के स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से अब तक कई स्वास्थ्य अधिकारियों को बर्खास्त भी किया गया है। इटली ने अनवैक्सीनेटेड लोगों के खिलाफ कुछ नए नियम लागू किए हैं। नए नियमों के तहत जिन लोगों ने अब तक कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण नहीं कराया है उन्हें सार्वजनिक जगहों और सेवाओं का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। हालांकि बता दें कि इटली में अब तक 80% आबादी को कोरोना वैक्सीन की एक डोज लग चुकी है और इसी के साथ इटली दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने वाले देशों में से एक बना हुआ है। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.